हेलो फ्रेंड्स, और एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आप लोग जानते हैं साउथ अफ्रीका में चल रहा है FIH हॉकी ओमेन जूनियर वर्ल्ड कप, जिसमें विश्व के चुने गए 15 टीम हिस्सा ले रहे हैं। और मैं कल आपको पॉइंट टेबल के बारे में बता दिया था। तो आज अप्रैल 7 तारीख है, आज खेला जाएगा 3 मैच। तो ये जो 3 मैच होगा, आज कब ये मैच होगा, कितने बजे होगा, कौन कौन सा टीम मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेगा, उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे और इसके बारे में डिटेल्स में पता करते हैं। तो चलिए, तो आप लोग हॉकी प्रेमी हैं, आप लोग जानते हैं कल यानी कि अप्रैल 6 तारीख रेस्ट डे था, क्योंकि 1 तारीख से जो शुरू हुआ है FIH हॉकी ओमेन जूनियर वर्ल्ड कप, 5 अप्रैल तक लगातार मैच हुआ था, लेकिन कल यानी कि 6 अप्रैल को रेस्ट डे था, कोई मैच नहीं हुआ। तो FIH ने पॉइंट टेबल निकाला था, जिसके बारे में मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। तो वही पॉइंट टेबल को नज़र में रखते हुए आज जो मैच होगा उसी की शेड्यूल आ चुका है, उसी शेड्यूल के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आज जो 3 मैच खेला जाएगा, आज दिन का जो पहला मैच होगा पूल डी का 3rd प्लेस में होने वाला टीम, पूल सी का 4th प्लेस पे जो होगा टीम उसी के साथ मैच खेलेगा। यानी कि आज पूल डी का 3rd प्लेस पर वाल्स है और पूल सी का 4th प्लेस पर ऑस्ट्रिया है। यानी कि तो आज का मैच वाल्स वर्सेस ऑस्ट्रिया के बीच दिन की 2:45 पर खेला जाएगा। दूसरा मैच पूल बी का 3rd प्लेस पर जो है वो टीम और पूल ए का 4th प्लेस पर जो टीम होगा उसी के साथ होगा दूसरा मैच। यानी कि आयरलैंड पूल बी का 3rd प्लेस पर है और पूल ए का 4th प्लेस पर है कनाडा। यानी कि आयरलैंड वर्सेस कनाडा के बीच आज का मैच शाम की 7:15 पर होगा। तो आज का तीसरा मैच होगा पूल सी का 3rd प्लेस पर जो टीम होगा उसी के साथ पूल डी का 4th प्लेस पर जो टीम होगा उन्हीं दो टीम के साथ मैच होने वाला है। तो पूल सी का तीसरे स्थान पर है उरुग्वे और पूल डी का 4th प्लेस पर है मलेशिया। यानी कि उरुग्वे और मलेशिया के बीच आज तीसरा मैच होगा। तो ये थी आज जो खेला जाएगा 3 मैच उसी के बारे में सूचना। तो ये जो 6 टीम है 3 मैच खेलेंगे, ये 6 टीम एक एक अच्छा टीम है। तो आज जो मैदान में अच्छा खेल प्रदर्शन करेगा FIH हॉकी ओमेन्स जूनियर वर्ल्ड कप में विनर बनेगा। तो हॉकी में पहले से हम कुछ प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि अंतिम क्षण में भी हॉकी में कुछ अनहोनी हो सकता है, क्योंकि जो टीम जीत नहीं सकता वो भी जीत सकता है, क्योंकि हॉकी ऐसी ही एक खेल है। तो आज एक एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, ऐसे ही हम आशा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैंने सोचा इस शेड्यूल के बारे में आप लोग को बता देना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग हॉकी प्रेमी है इसीलिए ये वीडियो बनाया। तो मुझे लगता है हमारा वीडियो आपको अच्छी लग रहा होगा, हमारा वीडियो आपको अच्छी लग रहा होगा तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अमरेंद्र लाइव ब्लॉग चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से और एक नया वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।